जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि एवं बट्टा करने वाले हैं, जो कि 11th चैप्टर है आपका, जो कि सीआईएसएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में कुल 48 प्रश्न है जो आपको करने हैं। तो इसको दो पार्ट में हम बनाएंगे। पहले 21 क्वेश्चन आएगा जो कि लाभ हानि का होगा, उसके बाद जो क्वेश्चंस बचेंगे बट्टा वाला वो आपको अनदर वीडियो में आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लाभ एवं हानि बताने वाले हैं। तो सर्वप्रथम चलिए, जब लाभ एवं हानि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा, क्या क्या। एक आपका क्रय मूल्य होता है, ठीक है, क्रय मूल्य, और दूसरा आपका होता है विक्रय मूल्य। सारी बातें इन्हीं दो चीज पर होती है। तो सर्वप्रथम हम लोग कुछ बेसिक से बातें कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और प्रश्नों को आप आसानी से कर सको। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात पहले कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई होती है, ठीक है। ये एक दुकानदार के लिए है, जब आप एक दुकानदार बनोगे और किसी वस्तु को खरीदोगे तो वह उसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। और जब आप उसी चीज को कुछ हानि या लाभ पर बेचोगे तो वह विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होगा कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी धनराशि दी जाती है, अदा की जाती है, वह आपका क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरा आपका आता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जब क्रय मूल्य की तुलना पर किसी वस्तु को कम या अधिक मूल्य में बेचा जाता है तो वह विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जब कोई वस्तु बेचेंगे तो वहां पर दो कंडीशन होता है, या तो लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। तो लाभ के लिए क्या फॉर्मूला है, लाभ के लिए आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, ये प्रयोग में लाया जाता है लाभ के लिए। और दूसरा फॉर्मूला आपका हानि का, तो हानि के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए, ये जो दो कंडीशन है ये कब अप्लाई होंगे, जब कोई वस्तु अधिक मूल्य में बेची गई हो। जैसे आपने किसी वस्तु को 12 रुपए में खरीदा और उसे 16 रुपए में बेच दिया तो आप क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे, क्योंकि यहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा है। यदि आपने इसे 12 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया तो यहां पर क्या हो गया, हानि हो रही है आपको, 2 रुपए का आपको यहां पर लॉस लग रहा है, तो हम हानि निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम हानि या लाभ निकाल लेते हैं तो हम इसका प्रतिशत भी निकाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया और उसमें बताया कि किसी भी आंकड़े को शत से गणना करना अर्थात 100 से गणना करना प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। यदि आपको लाभ प्रतिशत पूछे तो क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। चलिए यहां पर चलते हैं और इसका लाभ परसेंट निकालते हैं। तो लाभ परसेंट इक्वल्स टू लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो आपको जो कंपेयर करना है वह क्रय मूल्य से करना है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। यहाँ पर हानि में हर शिकार होगा, इस बात का भी ख्याल रखें। ये मैथमेटिक्स है तो उतना काउंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें शुद्ध लिखना है, ठीक है। ये आपका हानि हो गया, ओके। तो इस प्रकार से आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक पर प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलिए प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। और ये जो प्रश्न है वह आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं जो कि आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं सभी प्रश्न का एक संग्रह करके ये बनाया गया है। तो इसे आपको ध्यान से देखना है और सीखना है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आप यदि बेसिक सीख के जाते हो तो आप वहां पर प्रश्न ना भी कर पाओ, लेकिन यदि आप इसे देख लेते हो तो आप 100% सारे प्रश्न को करके आओगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, किसी वस्तु को ₹70 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे ₹50 में बेचने पर उठाई गई हानि का 4 गुना है, तो हानि बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 विक्रय मूल्य दी गई है और यहाँ पर हानि का गुना दिया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब ये कंडीशन दी गई हो तो हम इसको फॉलो करेंगे कि कितनी की हानि हुई वो आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो ज्यादा वाला होता है विक्रय मूल्य उसमें से कम वाले को घटा लेते हैं, अर्थात 70 माइनस 50, और जितना गुना दिया गया हो हानि का उसे हम नीचे लिखकर उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 4+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 20/5 इक्वल्स टू ₹4 की हानि हुई, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को करेंगे। और यदि आपको 100 ट्रिक्स पता रहेगा तो आप प्रश्नों को कम समय में कर कर अधिक से अधिक अंक हासिल कर पाते हो। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है और कहा गया कि यदि किसी वस्तु को ₹20 में बेचने पर, ठीक है, जब 20 में बेचते हैं तो 5% का लाभ होता है, तो 10% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि वस्तु को हम ₹20 में बेचते हैं तो 5% का लाभ होता है। अब हमें लाभ कमाना है कितना परसेंट, 10%। ठीक है, तो जब लाभ अधिक कमाना हो तो विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं कि जितनी परसेंट कमाना हो आपको उसको ऊपर में ऐड करते हैं 100 + 10। ठीक है, और जितना अभी आपका करंट लाभ परसेंट दिया गया हो उसे नीचे ऐड करते हैं, तो 100 + 5 और उसको जिस मूल्य पे बेचा है उससे गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, 110/105 × 20। ठीक है, अब देखिए ये आपके 4 times में, ये आपके 21 times में, ठीक है, equals to 440/21। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए। अब इसको जब कट करेंगे 21 से तो ये आपको 20.95 निकल के आ जाएगा। अर्थात यदि वस्तु को हम ₹20.95 पर बेचें तो 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको करना है। ओके, और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यदि आपको इन सभी का PDF WhatsApp पर चाहिए तो आप WhatsApp करेंगे 7979946092, यहां पर आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है, अन्यथा आप वेबसाइट से भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात का ख्याल रखें कि यदि आप WhatsApp से प्राप्त करते हैं तो ₹30 का चार्ज लगता है और इसमें आपको मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक के 33 चैप्टर्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये मैथ्स ट्रिक का चार्ज है, ये आपको WhatsApp पे रहेगा। यदि आप CISF ट्रेडमैन हो या हेड कांस्टेबल हो या फिर LDC हो तो इन सभी के भी प्रैक्टिस पेपर्स एवं LDC का प्रीवियस ईयर पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। चार्जेस लगते हैं, याद रखें, यदि ट्रेडमैन के लेते हैं तो ₹30, यदि आप हेड कांस्टेबल के लेते हैं तो ₹30। ठीक है, यदि LDC के लेते हैं तो ₹30। यदि आप इनमें से कोई कॉम्बो कर लेते हैं, दो चीज एक साथ लेते हैं, तो आपको वहीं पर ₹50 पे करना पड़ता है 60 की जगह। ठीक है, और आपको सारी PDF WhatsApp कर दी जाती है। और एक बात का ख्याल रखें, जितना हो सके WhatsApp पे चैट कर लें क्योंकि इतने बच्चों का फोन आता है तो पिकअप करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे विनती करूंगा यदि आप WhatsApp पे बातें कर ले वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी कभी कॉल पिक नहीं भी हो पाता है बिजी होने की वजह से, तो आप WhatsApp कर ले, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, यदि किसी वस्तु को ₹80 में बेचने पर 5% की हानि होती है तो 6% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अभी क्या था, अभी आपको दिया गया था लाभ पे लाभ कमाना, मतलब 5% लाभ था, हमने 10% कैसे कमाया। अब यहां पर क्या है कि 5% की हानि हो रही है और हमें कमाना है लाभ, तो ये प्रश्न आपके एक आ जाएंगे जरूर, इन दोनों में से ऊपर वाला और ये, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको आ जाएगा एग्जाम में। VVI मान के रखें इसे और अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आपका लगातार लाभ दिया गया हो और लाभ और कमाना हो तो हम दोनों को ऐड किए थे, लेकिन जब हमें एक हानि दी गई हो और हमें लाभ कमाना हो तो फिर क्या करते हैं कि जो हर का पोर्शन होता है उसमें से 100 हानि परसेंट कर देते हैं। तो आइए उस चीज को अप्लाई करते हैं यहां पर, ये आपका हो गया 100 और प्लस में कितना परसेंट लाभ कमाना है, लाभ की बात की जाएगी तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, तो 6% लाभ कमाना है और यहां पर हानि हुई है कितने की, 5% की, तो 100 - 5 और इंटू में क्या करना है, आपके इस विक्रय मूल्य को डाल देना है 80। ठीक है, अब ये आपका 106/95 × 80 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 8480 आ जाता है, बाय में 95 आ गया। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो यह आपको 89.26 रुपीज निकल कर आ जाता है। ठीक है, 89.26 रुपीज। ठीक है, यदि वस्तु को हम 89.26 रुपीज में बेचेंगे तो हमें 6% का लाभ मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। आपका चौथा प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु को ₹900 में बेचने पर जितना लाभ होता है ₹100 में बेचने पर उतना ही हानि होती है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब किसी वस्तु को हमने ₹900 पे बेचा तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ, लेकिन जब हमने उसे 100 पर बेच दिया तो हमें उतनी ही हानि हुई, जितना लाभ हुआ उतनी की ही हानि हुई, तो हमें विक्रय मूल्य बताना है। बहुत
आसान प्रश्न होता है ये, यदि आपको ट्रिक पता नहीं होता तो आप फंस जाते हो और प्रश्न नहीं कर पाते हो। तो अभी आप इसे सीख लें। क्या करेंगे कि आप इन दोनों मूल्य को ऐड कर देंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर आपका जो वास्तविक क्रय मूल्य है वह आपको पता चल जाएगा, अर्थात 900 प्लस 100 बाय में 2 इक्वल्स टू 1000 बाय में 2 इक्वल्स टू 500, अर्थात रुपीज 500 जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो आसानी से आपको पता चल गया, अब तो ये प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा ना। आगे बढ़े दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि CISF के लिए प्रेरित तैयार किया गया है स्टडी अपडेट्स के द्वारा, आप देख सकते हैं मैथ्स के ट्रिक, ठीक है, CISF SG के जो भी GKs के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, तो उन सबको इनमें कराया गया है। हिंदी के देख सकते हैं, मैथ्स के देख सकते हैं, सारी वीडियोज आपको अवेलेबल करा दी गई है। बाकी आप देखिए हिंदी के प्रैक्टिस से पूरे हो चुके हैं, देखिए रीजनिंग के प्लेलिस्ट हैं, और मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूं कि सारी वीडियो हो चुकी है। इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी रीजनिंग के वीडियोज थे वह पूरे करा दिए गए हैं। ठीक है, यदि कुछ छूट जाती है तो आप कमेंट करें, आपको वो वीडियोज प्रोवाइड करा दी जाएगी। हिंदी का देखना चाहते हैं तो चलिए उसे भी दिखा देता हूं आपको। देखिए ये रहे आपके हिंदी के प्लेलिस्ट, तो इसमें भी सारी वीडियोस करा दी गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन सब वीडियोस को देखो और जितना हो सके ज्ञान हासिल करो और जल्द से जल्द जॉब हासिल करो और अपनी सोच पे खड़े उतरो, कामयाब बनो और अपनी फैमिली की मदद करो। पांचवा आपको दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर ₹50 अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए इससे पहले हमने क्या किया कि एक विक्रय मूल्य दिया गया होता है और उस पे सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर वो चीजें चेंज हो गई। यहाँ पर क्या कह दिया कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें ₹50 अधिक मिलता है। ठीक है, यदि हम इन दोनों का विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें ₹50 अधिक मिलेगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जितना अधिक कमाना हो उसको अंश में लिखते हैं और जितने पे हमने बेचा है हानि परसेंट और लाभ परसेंट उन दोनों को ऐड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए इस चीज को कीजिए, तो ये आपका हो गया ₹50 अधिक कमाया। ठीक है, तो ₹50 यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर 5 + 10 और गुने में 100 कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए 50/15 × 100, 5 × 3 = 5, 10 = ठीक है, इक्वल्स टू 1000/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका ₹333.333 ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे 2 पॉइंट पे रोक देते हैं, अर्थात उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह ₹333.33 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, छठा आपका दिया गया है कि ₹900 तत्काल धन जिसका मितकाट ₹90 है का महाजनी लाभ ज्ञात करें। देखिए यदि आप महाजन हो और किसी को पैसे देते हो और आपको पता है कि आप इतने मितिकाट पे दे रहे हो तो आप कितने परसेंट लाभ कमाए ये निकालने के लिए बहुत ही आसान होता है कि जो मितिकाट होता है उसका स्क्वायर कर दें और जो तत्काल धन दिया जाता है उससे हम भाग कर देते हैं, अर्थात ये आपका 90 का स्क्वायर डिविजिबल 900 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 90 × 90/900 ये आपका 2 कट गया। ठीक है, ये आपका 1 कट गया। ओके, तो क्या बचा आपका, ये कट चुका है, ये आपका बचा 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लाभ निकाल लिया कि महाजनी लाभ कितना होगा, तो ₹9 का महाजनी लाभ होगा। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो फिर लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दो इसे। आगे बढ़े, अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि ₹450 की वस्तु को कितने में ही बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। ठीक है, एक क्रय मूल्य आपको दिया गया कि इतने का वस्तु है उसको कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि इसका 10% निकालकर दोनों को ऐड कर सकते हो, या सिंपली आप इसको इस फॉर्मूले में डालकर इसे यहीं पर एक ही स्टेप में सॉल्व कर दो। ठीक है, तो क्या करते हैं, कितने की वस्तु है, 450 की वस्तु है × 100 और यहाँ पर 10% लाभ कमाना हो, तो लाभ में हम हमेशा प्लस यूज करते हैं, याद रखेंगे, यहाँ पर ये 10 हो गया, बाय में 100 हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 450 × 110/100। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अर्थात 45 × 11। अब इसे सॉल्व कर लो, ये आपका ₹495 निकल कर आ जाता है। ठीक है, कि वस्तु को यदि हम ₹495 में बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ होगा, तो यहां पर आपको विक्रय मूल्य पता चल गया। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं प्रश्न, आगे बढ़े।
अब देखिए मैंने ऊपर एक चर्चा किया था लाभ परसेंट और हानि परसेंट का, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है कि मोहन किसी वस्तु को रुपीज 100 में खरीद कर रुपीज 80 में बेच देता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। मैंने आपको क्या बताया था कि क्रय मूल्य से यदि विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होती है, तो वही चीज यहाँ पर है, कम है ना, तो फिर हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो 100 - 80 बाय में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100, तो कर दीजिए ये आपका हो गया 100 - 80, ठीक है, इंटू 100 कर लीजिए और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपका 100 है, ठीक है, ये कट गया, इक्वल्स टू 20, अर्थात 20% की हानि हुई है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आपका 9 दिया गया है कि मोहन किसी वस्तु को रुपीज 180 में बेचकर 25% का हानि उठाता है, क्या उठाता है, हानि। अब उसे 25% का लाभ कमाना हो तो उसे कितने मूल्य पर बेचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक विक्रय मूल्य दिया गया है, पहले हम क्रय मूल्य से गेम खेलते थे, अब विक्रय मूल्य दिया गया है, तो यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न हो तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और वस्तु का हानि प्रतिशत, ठीक है, वस्तु का लाभ प्रतिशत, या फिर हानि में कितने बेचा गया या फिर लाभ में कितने बेचा गया, ये सब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको इस फॉर्मूले में डालते हैं। यहाँ पर आपको एक प्राइस दिया गया है, तो SP1 आपको दिया गया है, SP2 आपको निकालना है, SP2 क्या होगा, तो चलिए इसको इसमें डालिए, SP1 equals to 180 by SP2 कर दीजिए, अर्थात सेकेंड सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, equals to 100, ये 100 कर दिया, और पहले में क्या हुआ, जितनी प्रतिशत की लाभ या हानि हुई उस चीज को लिखना है, यदि हानि हुई तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे, यदि लाभ होता तो हम यहाँ पर प्लस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर से क्या कमाना है, लाभ कमाना है, देखिए 25% का है ना लाभ, तो यहाँ पर हम प्लस का प्रयोग करेंगे, ऊपर -5 नीचे +5 इक्वल्स टू में क्या हो गया आपका, ये 180 बाय SP2 इक्वल्स टू 75 बाय 125, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 180 इंटू 125 इक्वल्स टू SP2 इंटू 75, अब आपका SP2 क्या हो जाएगा, तो SP2 इक्वल्स टू 180 इंटू 125 और बाय में 75, तो 25 3 जा, 25 5 जा, 3 60 जा, ठीक है, अब ये आपका 60 × 5 इक्वल्स टू 300 निकल के आ गया, ठीक है, तो कितने मूल्य पर वस्तु को बेचेगा उसको 25% का लाभ होगा, तो ₹300, यदि वह 300 रुपीज में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होगा, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब आपका 10th प्रश्न दिया गया है कि ₹600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, अर्थात ये वस्तु का विक्रय मूल्य है और यहाँ पर लाभ दिया गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य 600 गुने 100 और बाय में 100 और प्लस माइनस का प्रयोग होता है, यदि लाभ हुआ तो वो जुड़ेगा, यदि हानि हुई तो घटेगा, तो यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है अर्थात ये जुड़ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, ये इसे काट दीजिए, 6 10 जा, 6 2 जा, 2 50 जा, ठीक है, अर्थात 50 × 10 इक्वल्स टू 500, ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ₹500 निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़े, अब आपको दिया गया है कि ₹1 में 12 टॉफियां बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में वह कितनी टॉफी बेचेगा, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ₹1 की बात की गई या फिर कितनी टॉफी वह बेचेगा, तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है और इस फॉर्मूले में ढालना है, तो आइए इसको मैं सिखाता हूँ, देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है यह तरीका। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ₹1 में 12 टॉफी बेचता है, ठीक है, रुपीज और टॉफी, अर्थात 1 रुपीज में उसने 12 टॉफियां बेची और बाय में 100, और देखिए यहाँ पर उसे 20% की हानि हो रही है, तो -20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब उसे कितनी रुपीज में कितनी टॉफी बेचना है, अर्थात 1 रुपीज में उसे x टॉफियां बेचनी है ताकि उसे 100 और प्लस 20, क्योंकि यहां पर हमें 20% लाभ कमाना है, ठीक है, आ गया ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 1/12 बाय में 80 इक्वल्स टू 1/x बाय 120 आ गया, ठीक है, अब ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1/x निकालना है, तो 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 × 1 बाय में 12 × 80,
ठीक है। अब इसे कट कीजिए और फिर कट करके आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू 10/80, तो ये कट के 1/8 आ जाएगा, अर्थात 1/x इक्वल्स टू 1/8 निकल के आ गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 आ गया, अर्थात रुपीज 1 में यदि वह 8 टॉफियां बेचता है तो उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को करना है आपको। आगे बढ़े दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि CISF के लिए प्रेरित तैयार किया गया है स्टडी अपडेट्स के द्वारा, आप देख सकते हैं मैथ्स के ट्रिक, ठीक है, CISF SSC के जो भी GKs के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, तो उन सबको इनमें कराया गया है। हिंदी के देख सकते हैं, मैथ के देख सकते हैं, सारी वीडियोज आपको अवेलेबल करा दी गई है। बाकी आप देखिए हिंदी के प्रैक्टिस से पूरे हो चुके हैं, देखिए रीजनिंग के प्रेस्ट है, और मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूं कि सारी वीडियो हो चुकी है। इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी रीजनिंग के वीडियोज थे वह पूरे करा दिए गए हैं, ठीक है। यदि कुछ छूट जाती है तो आप कमेंट करें, आपको वो वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएगी। हिंदी का देखना चाहते हैं तो चलिए उसे भी दिखा देता हूं आपको। देखिए ये रहे आपके हिंदी के प्लेलिस्ट, तो इसमें भी सारी वीडियोस करा दी गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन सब वीडियोस को देखो और जितना हो सके ज्ञान हासिल करो और जल्द से जल्द जॉब हासिल करो और अपनी सोच पे खड़े उतरो, कामयाब बनो और अपनी फैमिली की मदद करो। 12 आपको दिया गया है, यदि किसी वस्तु को रुपीज 200 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे रुपीज 50 में बेचने पर उठाई गई हानि का 5 गुना है। देखिए एक बार हमने ऐसा प्रश्न ऊपर सॉल्व किया था और थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, तो उस डिफरेंस को हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी क्रय मूल्य पूछना हो और यदि दिया गया हो 5 गुना और विक्रय मूल्य की बात की गई हो, तब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना गुना, 5 गुना, तो 5 गुने कितने रुपए की हानि, 50, ठीक है। 5 गुने 50 प्लस में उसका विक्रय मूल्य ऐड कर देंगे, ठीक है, तो रुपीज 200, और बाय में क्या हो जाएगा, जितना गुना हो प्लस 1, अर्थात 5 प्लस 1 कर देंगे। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 250 प्लस 200 बाय 6 हो जाएगा, अर्थात 450 बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग कर दीजिए तो 75 टाइम्स में यह पूरा पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, रुपीज 75 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है, कोई वस्तु 6% के लाभ पर बिकती है, यदि इस वस्तु को रुपीज 50, ठीक है 50 है, अधिक में बेचा होता तो 11% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया कॉन्सेप्ट, इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास यदि एक पेन है, आप पेन बेचते हो और आपने उसे 6% लाभ पर बेचा, यदि आप ग्राहक से 50 रुपए और अधिक लेते तो आपको 11% का लाभ होता, फिर आपका वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। देखिए बहुत ही आसान हो जाता है ट्रिक से, यदि ट्रिक का यूज करते हैं तो ये आसान है, अन्यथा यह बहुत ही हार्ड हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने में। तो ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आपका जितने अधिक में बेचे वो लिखिए, रुपीज 50 आ गई, बाय में क्या हो जाएगा, बड़ा परसेंट माइनस छोटा परसेंट, ठीक है, इंटू 100 इक्वल्स टू ये आपका हो गया 50 बाय 5 इंटू 100, ये आपका हो गया 10 टाइम्स, इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1000 निकल के आ जाएगा, ठीक है, कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 1000 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। और जिन बच्चों को इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप करेंगे 7979946092, ठीक है, इस पे व्हाट्सएप करेंगे, वहां पे आपको सारी डिटेल बताई जाती है, कुछ चार्जेस लगते हैं, उस चार्जेस में आपको ये सभी पीडीएफ प्राप्त करवा दी जाती है, ठीक है। और जिन्हें फ्री में पढ़ना है तो वो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, ठीक है। आगे बढ़े 14 दिया गया है कि दो समान विक्रय मूल्य की वस्तुएं जिसमें एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत बताना। देखिए जब भी किसी वस्तु को लाभ परसेंट पर बेचा गया हो और उतनी हानि परसेंट पर बेचा गया हो तो वो 100% है कि वस्तु पर हानि ही हमें मिलती है, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो आप क्या करेंगे कि जो परसेंटेज आपकी दी गई है वह परसेंटेज बाय में 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, या फिर आप जो आपकी परसेंटेज दी गई है दोनों उसका होल स्क्वायर कर दीजिए और बाय में 100 कर दीजिए, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 20 दिया गया है तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, यहाँ पर मैंने 20 का स्क्वायर किया है और बाय में 100 करके सॉल्व किया, ठीक है, तो बाय में 100 ये आपका 4, तो 4% की हानि हो जाएगी। या फिर आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपको 400/100 आ जाएगा, बात
इक्वली आ गई, मैंने दोनों तरीके से करके बता दिया ताकि आप में से किसी को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो यहां पर दोनों में 4% की हानि हुई है, ठीक है। आगे बढ़े, 15 आपको दिया गया है, यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ बताइए। बहुत ही आसान है, उसको इस फॉर्मूले में डालिए, आपको लाभ निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि 10 वस्तु को यदि हम बेचते हैं तो 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख लीजिए, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, जितना उसका विक्रय मूल्य होगा 8 वस्तुओं का उतना उसको लाभ होता है। तो इसको आसानी से आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये आपका हो गया 8/10 - 8 × 100 इक्वल्स टू, ये आपका 8/2 × 100 इक्वल्स टू आपका ये 4 times में इक्वल्स टू 400 निकल कर आ जाता है, ठीक है। अर्थात आपको 400% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है वह सिमिलर ही है, आप इसे देख लीजिए, यहां पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, चेंजिंग आ गई ना, तो प्रतिशत हानि बताना है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे 12 - 10/12 × 100 कर देंगे, ठीक है। अब आप इन सब चीजों को सीख गए होंगे कि मैं किस चीज को कहां पुट कर रहा हूं, कैसे पुट कर रहा हूं, ठीक है, मान के चलो ना। तो ये आपका हो गया 2/12 × 100, तो ये हो गया 1/6, ठीक है, इक्वल्स टू 100/6 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये आपका 16.66% निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इतने परसेंट की हानि हुई है, ठीक है। आगे बढ़े, 17 आपको दिया गया है, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताएं। यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात की गई है, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और यहां पर जो 8 वस्तुएं होगी, क्रय मूल्य वाली वस्तुएं होगी, वह ज्यादा होगी, इस बात का भी ख्याल रखना है, ठीक है। यदि ये वस्तुएं ज्यादा ना हो तो वहां पर हानि हो जाएगी, ओके। तो यहां पर ज्यादा है तो इसको हम इस फॉर्मूले में डालते हैं, यहां पर हो जाएगा 8 - 5/5 × 100 इक्वल्स टू 3/5 × 100, ये आपके 20 टाइम्स में कट गया, इक्वल्स टू 60% का लाभ हुआ, ठीक है, हो गया ना आसान ट्रिक के माध्यम से। आगे बढ़े, अब 18 आपको दिया गया है, एक व्यापारी रुपीज 5 में 6 की दर से एक वस्तु खरीदकर रुपीज 6 में 5 की दर से बेचता है तो लाभ परसेंट आपको बताना है, ठीक है। उसने उस वस्तु को रुपीज 5 में 6 की दर से खरीदा, अर्थात यहां पर क्या था, वस्तु की संख्या ज्यादा थी और प्राइस कम था, लेकिन जो बेचना शुरू कर दिया उसने इसे उल्टा कर दिया, ठीक है, प्राइस उसने बढ़ा दिया और वस्तु की संख्या कम कर दी, तो 100% है कि लाभ होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये 6² - 5² / 5² × 100, ठीक है, क्योंकि इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि वस्तु और वस्तु का दर जो होगा वह बाद वाला प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है, ये आपका एक्स हो जाता है, ये आपका वाई हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस सब कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, इस संकुचन में मत रह जाना कि ये कैसे यूज किया गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 36 - 25/25 × 100, ये आपका 4 times में कट गया, ये आपका 11 × 4 = 44 निकल के आ जाता, अर्थात 44% का लाभ हुआ, ठीक है। यदि यहां पर उल्टा होता कि रुपीज 6 में 5 वस्तु खरीदा और फिर 5 में 6 वस्तु बेचा, ठीक है, तो वहां पर हानि परसेंट का प्रयोग होता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, अब देखिए 19 दिया गया है, ऊपर 18 में क्या था कि आंकड़ा सिमिलर था, लेकिन यहां पर अब आंकड़ा आपको चेंज कर दिया गया, प्रश्न वही है लेकिन आंकड़ा चेंज है, सिमिलर आंकड़ा नहीं है। यदि एक दुकानदार रुपीज 10 में 6 टॉफी खरीदता है और फिर क्या करता है कि रुपीज 5 में 2 की दर से बेचता है, तब प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। वहां पर क्या था कि कॉमन था, इसलिए हमने उसका स्क्वायर किया था, लेकिन यहां पर ये आंकड़े अलग हो गए तो अब ये दोनों आंकड़े मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये आप हेर फेर करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 × 5 - 10 × 2 / 10 × 2 × 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इक्वल्स टू 30 - 20/20 × 100 इक्वल्स टू क्या हो गया, 10/20 कट गया ये आपका, इंटू 100 ये आपका 50 इक्वल्स टू 50% का लाभ हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो गया। आगे बढ़े,
20 आपका दिया गया है, ₹900 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 20% की छूट देने पर भी 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है और इसमें छूट वगैरह स्टार्ट हो चुका है, तो छूट में आपको अच्छे से सेकेंड वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल एक प्रश्न मैंने ले लिया है तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 21 से कराऊंगा जहां पर छूट वगैरह अच्छे से बताया जाएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न को कर लेते हैं और इसे हम इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्रय मूल्य आपको दिया गया है, उस पर कुछ छूट है 20% और 10% की, तो आपको वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको इस प्रकार से ढाल देंगे। ये आपका हो गया प्राइस ₹900। ठीक है, 900 into, और यहां पर क्या करते हैं कि जो लाभ आया है उसको ऊपर ऐड करते हैं और जो छूट दी गई है उसको नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अर्थात 100 प्लस 10 बाय 100 माइनस 20, क्योंकि 20% की छूट दी जा रही है। ठीक है, ये आपका हो गया 900 इंटू 110 बाय 80। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, अब ये आपका हो गया 9900 बाय 8। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 7 टाइम, ठीक है, 0.50 रह जाएगा, अर्थात उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह ₹1237.50 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे इसे बट्टे को, और बट्टे को मैं अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद में बाकी प्रश्नों को बताऊंगा। ठीक है, और यदि किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप करेंगे 7979946092। ठीक है, याद रखें ₹30 चार्ज की जाती है 33 चैप्टर्स के लिए। और इसके साथ ही यदि आप CISF ट्रेडमैन या फिर CISF हेड कांस्टेबल किसी एक का लेते हो, कॉम्बो पैक बनाते हो, तो फिर वह आपको ₹50 में प्रोवाइड कराई जाती है। आपको यहां पर व्हाट्सएप करना है, बाकी डिटेल आपको यहां पर समझा दी जाएगी, और जितना हो सके चैट में आप बातों को बताएं, कॉल कम से कम करने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चों का अत्यधिक कॉल आना शुरू हो जाता है तो फिर हर बच्चों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स का एक वेबसाइट बनाया गया है। इस वेबसाइट पे आपको सारी स्टडी मटेरियल्स एज वेल एज रिसेंट जॉब्स रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड डिफेंस सेक्टर के, आपके इंडियन आर्मी हो गए, CISF हो गया, SSC GD हो गया, और जो भी डिफेंस से रिलेटेड है वो सभी यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका रिसेंट पोस्ट है, ये आपका रिसेंट जॉब्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका रिसेंट न्यूज जो भी आता है वो डाल दिया जाता है, ये आपके एडमिट कार्ड्स के टैब हो गए, ये रिजल्ट्स के टैब हो गए, ये इंडियन आर्मी भर्ती से रिलेटेड जो भी भर्तियां आती हैं वो यहाँ डाली जाती है, ये आपका रिसेंट पोस्ट है जो पोस्ट डाला है, एवं ये आपका जॉब न्यूज है, ये आपका GK का टैब है, इसमें GK के जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं या फिर आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो डाला जाता है, ये आपका हिंदी का टैब हो गया, इसमें हिंदी से रिलेटेड जो भी PDFs होती है सब डाली जाती है, ये आपका ट्रिकी मैथ्स का हो गया, तो इसमें ट्रिकी मैथ्स के सारे PDFs डाल दिए गए हैं जिसमें कि आप इजीली मैथ्स के क्वेश्चंस को हल कर सकोगे। ठीक है, ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, SSC GD का है, CISF का, जो जितना भी PDFs है प्रीवियस ईयर का हो या रिसेंट एग्जाम्स का हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, तो सारे यहाँ पे डाले जाते हैं। देखिए इंडियन आर्मी के सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर डाल दी जाती है, तो आइए वेबसाइट को विजिट कीजिए और सारी जानकारी हासिल कीजिए, और यहाँ जो भी यूजफुल चीजें आपको लगे उसे इकट्ठा करें, पढ़ाई करें और जल्द से जल्द जॉब को हासिल करें।